सर कितना पानी पिए एक दिन में बताइए, थोड़ा सा इसके ऊपर अवेयरनेस बढ़ाइए सर, क्योंकि पता ही नहीं चलता कितना पानी पीना चाहिए। कोई कहता है 2 लीटर, कोई कहता है 4 लीटर, कोई कहता है 3 लीटर, कोई तरीका नहीं है जिसे समझ आ सके कितना पानी पीना है। ये आपको डाउट होगा डेफिनेटली, राइट? अगर आपको ये प्रश्न है, और ये प्रश्न होना चाहिए क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं मोहित मित्तल, डाइटिशियन एंड फिटनेस एक्सपर्ट। मैं आपको समझाने आया हूं कितना पानी पिए जिससे कि हम हाइड्रेटेड रहें। देखिए, पहली बात जान लीजिए, अगर हमको मेजरली अगर हमको हर दिन फ्रिक्वेंटली हेडेक्स हो रहे हैं, फटीक लग रहा है, थकावट लग रही है, इच्छा नहीं होती काम करने की, ड्राई फील होता, पूरा बॉडी एकदम सूखा लगता है, 100% पानी की कमी है शरीर के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं रेकमेंडेशन, एक आइडियल केस की रेकमेंडेशन है 2.7 लीटर्स। इसको इजी कर देते हैं 2.5 लीटर मान लीजिए। अभी आप 2.5 लीटर पानी पीना है एक आइडियल बंदे को विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, पीते रहना है डेली का। अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि किस प्रॉब्लम में कितना पानी पीना है, तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज आप याद रखेंगे, पानी को जज करने के लिए यूरिन कलर चेक करेंगे। यूरिन कलर इज द बेस्ट इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड आपका कितना पानी पी रहे हो, कितना हाइड्रेटेड हो या डिहाइड्रेटेड हो। एक्सट्रीम केस समझते हैं, अगर आपका यूरिन गोल्डन येलो है, एकदम शाइनी गोल्डन येलो, यू आर डिहाइड्रेटेड माय फ्रेंड, सीवियरली डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड भी नहीं, सीवियरली डिहाइड्रेटेड, बहुत खतरनाक तरीके से डिहाइड्रेटेड है। ऐसा नहीं है कुछ हो जाएगा, बट अगर आपने उसको फिक्स नहीं किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यू विल हैव लॉट ऑफ डिजीजेस। पानी आपका सिस्टम का 60-70% है बॉडी का, उसको फिक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1% ड्रॉप इन वाटर लेवल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैन लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी, क्योंकि सारा कुछ विटामिंस, कितने सारे विटामिंस वाटर सॉल्यूबल हैं, पानी नहीं होगा तो विटामिंस सर्कुलेट नहीं होंगे, विटामिन सर्कुलेट नहीं होंगे तो एनर्जी प्रोडक्शन, लॉट ऑफ प्रोसेसेस हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी वो नहीं होंगे, केमिकल प्रोसेसेस हैपनिंग, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैपनिंग वो नहीं होंगे। जो लोग पानी नहीं पीते उनको कॉन्स्टिपेशन रहता, तो प्रॉब्लम बहुत है पानी ना पीने की, और बहुत कम प्रॉब्लम है पानी टू मच पीने की। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं पानी कम पीने की, बहुत कम प्रॉब्लम्स हैं पानी ज्यादा पीने की। तो पानी पे कभी डाउट मत करिए कितना पिए, बट फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये एक्सट्रीम है जहां पे आपका डार्क गोल्डन येलो है, दिस शुड नॉट बी योर स्टेट, काटिए इसको। अब एक स्टेट इस पे आते हैं जहां पे पेल येलो है, पेल, बहुत हल्का सा टिंट ऑफ येलो दिख रहा है यूरिन में, या बिल्कुल वाइट ट्रांसपेरेंट यूरिन आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हाइड्रेटेड हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर ये वाला जो पेल येलो है, ये आपको कंसिस्टेंटली आना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, गोल्डन कभी पेल, कभी गोल्डन कभी पेल, इसका मतलब आपका कुछ सेट नहीं है पानी, मन करा पी लिया, मन किया नहीं पिया। यू शुड हैव अ स्पेसिफिक रूल फॉर यू। इसके लिए एक बहुत ईजी चीजें, कैरी एटलीस्ट 2 बॉटल्स और 3 बॉटल्स विद यू, अपने ऑफिस पे, अपनी वर्क स्पेस पे, जहां स्टूडेंट हैं अपने साथ लेके जाइए, 2 बॉटल रख लीजिए, एक बैग के लेफ्ट में, एक बैग के राइट में। 2 बॉटल होंगी 1-1 लीटर की, तो 2 लीटर पानी आप 100% पिएंगे, क्योंकि इस इंसान की प्रवृत्ति है जो उसको दिया जाता है वो उसको उतना कंज्यूम करता है। आपके टेबल पे अगर मैं 2 चीजें रखूंगा आप दोनों खाएंगे, 1 रखूंगा तो 1 खाएंगे, 3 चीजें रखूंगा आप तीनों चीजें ट्राई करेंगे, ये इंसान की प्रवृत्ति है। तो 2 बॉटल रखेंगे तो 2 लीटर पानी आप पिएंगे, आज नहीं तो कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप पीने लगेंगे। यही है, और इसमें कोई साइंस नहीं है, और आपको कुछ सोचना नहीं है। यूरिन कलर टेस्ट करिए, 2 बॉटल कैरी करिए, 2-3 बॉटल हो सके तो, और आपका माइग्रेन, आपकी सारी प्रॉब्लम्स इसी से खत्म होंगी। आशा करता हूं आपको पसंद आया ये। कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स को यूज करिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। नमस्ते, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर हाइड्रेशन।